हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल सो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि कितनी सारी स्किन केयर की ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी अट डिफिकल्ट टू चूज द राइट वन सो आई केम अक्रॉस अ ब्रांड कॉल नेचर डर्मा एंड एंड टूडेज वीडियो आर बी रिव्यूइंग द टेन परसेंट माई सिनेमाइट एंड जिंक सिरम यह आपके स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है विद द विद्रेड परसेंट दैट हेल्प स्ट्रेंथन योर स्किन नेचर डर्मा नाइसिनमाइड एंड एंड जिंक सिरम डिलीवर इवन टोन ब्राइटर स्किन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेन परसेंट जिंक एंड नेचुरल बायोम बायोबोस सोल्यूशन क्रिएट्स अ पावरफुल ब्रांड फॉर ऑप्टिमल स्किन हेल्थ हेल्प्स टू रिड्यूस द स्किन ब्लेमिज इंप्रूवस क्लैरिटी हेल्प्स टू ब्राइटन स्किन एंड मिनिमाइज द एक्ने नेचुरल बायोम बायोबोस सोल्यूशन सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्किन बाई So, रखा है, तो है, 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 है उसके बाद टेन परसेंट नाइसिनेमाइड एंड जिंक सीरम प्लस नेचुरल बायोमो सोल्यूशन फॉर इवेंट ओन ब्राइट स्किन रिजल्ट विध रिस्पॉन्सिबिलिटीटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर रखा है नेचर डर्मा इज अ इनोवेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ पोट एक्टिव एंडल बायोज डिलीवर विजिबल रिजल्ट विदिबिलिटी आर टेन परसेंट नाइसेनाइड एंड जिंक सीरम इज फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द इंप्रूवमेंट ऑफ स्किन ब्राइटनेस एंड ल्यूमिनोसिटी रिडक्शन ऑफ पोर्स एंड फेडिंग डार्क स्पॉट्स इंप्रूवमेंट ऑफ अन इवन स्किन नेचुरल बायोम बायोबोज सोल्यूशन दैट हेल्प इम्प्रूव द स्ट्रेस टॉलरेंस ऑफ द स्किन एंड सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्किन बैरियर उसके बाद इसे कैसे यूज कर सकते हैं ये सब कुछ चीज यहाँ पर मैंशन है इसको कैसे कैसे अपने स्किन केयर में आपको फॉलो करना है वो सारे स्टेप्स भी यहाँ पे मेंशन। ये बेसिकली रिकमेंडेड है फॉर डल स्किन टेक्सचरल स्किन इरेगुलिटीज अनइवन स्किन टोन ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए साइन ऑफ क्लॉक कोर्स उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है कलर नहीं है और इसे कैसे यूज़ करना है और इसे कैसे स्टोर करना है इस चीज़ का प्रिकॉशन भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है प्लस द मैनुफैक्चरिंग डेट ऑफ़ दिस प्रोडक्ट इज फेब्ररी टू एंड द एम ऑफ दिस प्रोडक्ट इस फोर्टी और जो इसकी एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ है वो है दो साल की विच इज़ प्रटी डिसेंट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड द क्वान्टिटी दैट विल बी गेटिंग इज थर्टी एम और जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि इसकी पैकेजिंग डबल है इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है और फिर आपका सीरम आता है विच मेक्स पैकेजिंग वेरी सेफ़ एंड कन्वीनियंट और आपका सीरम टूटेगा भी नहीं और कोई डैमेज भी नहीं होने वाला प्रोडक्ट को सो so, अगर मैं इसकी इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो ओ माई जस्ट लुक एट द पैकेजिंग एज यू कैन ईजिली कनेक्ट विद द ब्रांड नेम एज इट्स इज नेचर डोमा इट लुक्स लाइक नेचर वील ये ग्रीन कलर की ग्लास की बॉटल में आता है और बाकी जो इसका ड्रॉपर है ये वुडन का है और बाकी का जो ड्रॉपर है वो ग्लास का है इसमें जो रिड्यूस करता है एक्सेस ऑयल को ब्लैमिश को ड्राइनेस को बाई प्रमोटिंग हाइड्रेशन इसमें जिंक है जो ब्राइटन करता है स्किन को क्लियर करता है डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को इसमें हंड्रेड परसेंट नेचुरल बायम्बू सोल्यूशन है विच हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर एवोकाडो एक्सट्रैक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है स्किन फ्रॉम सन डैमेज सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी टेक्स्चर एंड दी कंसिस्टेंसी सो ये क्लियर वाइट कलर का सीरम है एज़ यू कैन सी और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पानी की तरह है बहुत ही ज़्यादा लाइट साइज का टेक्स्चर है और ये बहुत ही क्विकली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और जब भी आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो ऐसा लगता है कि वाटर ड्रॉप्स आपने अपने फेस पर डाल लिए और इसको लगाने के बाद आपके फेस पर ज़बरदस्त ग्लो भी आ जाता है हाउ यू कैन यूज़ दी नाई सिनोमाइट सीरम क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि नाई सिनेमाइट को कैसे और कब यूज़ करते हैं सो so, अगर आप बेटर रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको नाई सिनेमाइट सीरम को दो बार यूज़ करना चाहिए एक बार सुबह एक बार शाम को सो so, जब आप इसे मॉर्निंग में यूज़ करते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है उसके बाद जो भी टोनर को आप यूज़ करते हो आपको उस टोनर का यूज कर लेना है उसके बाद पंद्रह से बीस सेकेंड का वेट करना है और फिर आपको ये वाला सीरम ले, ले लेना है इसकी कुछ ड्रॉप्स ले लोगे और अप्लाई कर लेना अपने पूरे फेस में जेंटली मसाज कर लेनी है अगेन पंद्रह से बीस सेकेंड का वेट करना है सो दैट ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद जो भी मॉइस्चराइजर आपको सही लगता है और सूट करता है आपकी स्किन में आपको वो वाला मॉइस्चराइजर लेकर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है अगेन आपको पंद्रह से बीस सेकंड का वेट कर लेना है सो दैट अच्छे से मॉस्चर इजर भी अब्जॉर्व हो जाए आपकी स्किन में उसके बाद जो भी आप सनस्क्रीन का यूज करते हैं आपको सनस्क्रीन का यूज कर लेना है और सनस्क्रीन आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है स्किप करने की गलती तो सनस्क्रीन को बिल्कुल भी मत करना और जब रात में नाइस को आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है उसके बाद आपको टोनर का यूज करना है फिर आपको ये नाइस का सीरम का यूज़ कर लेना है उसके बाद आपको कोई भी नाइट क्रीम जो भी आप यूज करते हो डेली उसका यूज कर लेना है और फिर आपको बस सो जाना है और ऐसे आपको नाइस सिनमाइट का यूज़ करना होता है सुबह और शाम को सो so दैट आपके जो एक्ने हैं वो रिड्यूज़ हो पाए आपकी स्किन अनइवन ना लगे और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए सो नॉट टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस नाइसिनमाइट सीरम बिकॉज इसमें कोई भी पैरबिन नहीं है सिलिकॉन नहीं है सल्फेड नहीं है और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है क्वालिटी है क्वाटिटी है दैट इज़ बोथ इट यू शूड डेफिनेटली गिव इट टू ट्राई एंड यू वोंट रिग्रेट इट आई एम श्योर और ये वाला जो सीरम है ये बहुत ही ज़्यादा सही है और इसके बहुत अच्छे अच्छे से बेनिफिट्स हैं और यह काफ़ी ज़्यादा सेफ टू तो यूज़ है आपकी स्किन के ऊपर सो दैट कम्स इन एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो अगर रहा है तो आपको पता है आपको करना है इस वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालू आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए चलो अब मैं आपसे मिलती अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए बाय